भोपाल से मंडीदीप बिल्किसगंज नहीं जाएंगी 56 सिटी बसें, नगर निगम सीमा तक चलेंगी, 40,000 यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से मंडीदीप और बिल्किसगंज के लिए सिटी बस सेवा बंद हो गई। ये दोनों ही रूट नगर निगम सीमा के बाहर 25 किलोमीटर के दायरे में आ रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड यानी BCLL ने मंगलवार दोपहर बाद संचालन बंद कर दिया। बुधवार को भी सेवा बंद रहेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर बस ऑपरेटर्स और विभाग भी अपना पक्ष रखने के मूड में हैं, ताकि स्टे मिल सके। फिलहाल बसें बंद होने से करीब 40,000 से ज्यादा यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांधीनगर और चिरायू हॉस्पिटल से मंडीदीप के बीच कुल 46 बसें चलती थीं। वहीं बिल्किसगंज के लिए 12 बसों का संचालन होता है, लेकिन अब दोनों ही जगहों पर बसें नहीं जाएंगी, यहां तक जाएंगी बसें। मंडीदीप जाने वाली बसें मिसरौद के आगे शहरी सीमा तक ही जाएंगी। बिल्किसगंज जाने वाली बसें अब नीलबड़ तक ही चलेंगी। यह बसें रातीबड़ भी नहीं जाएंगी। हाईकोर्ट ने यह दिया है आदेश। जबलपुर हाईकोर्ट ने अमृत योजना के तहत संचालित सिटी यानी मेट्रो बसों का संचालन नगर निगम सीमा के बाहर नहीं करने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें नगर निगम सीमा के बाहर 25 किलोमीटर के दायरे में सिटी बस संचालन की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस योजना के तहत उक्त आदेश जारी किया गया था, उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 99 के तहत योजना का गजट नोटिफिकेशन जरूरी है। हाईकोर्ट ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत सभी नगर निगम जहां पर सिटी बसों का संचालन होता है, उन्हें आदेश जारी किए हैं। बसें नहीं चलने से मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ी। मणिदीप समेत कई रूट ऐसे हैं जहां से बड़ी संख्या में मुसाफिर शहर में आना जाना करते हैं। अकेले मणिदीप से ही नौकरी पेशा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले छात्र छात्राएं आदि को मिलाकर एक दिन में एवरेज 40,000 लोग शहर में आते हैं। बसों का संचालन बंद होने से मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार को यात्रियों को नगर निगम सीमा तक ही उतार दिया गया। बस कंडक्टर सोहनपुरी ने बताया कि गांधीनगर से स्पर्धा तक बस चला रहे हैं। इससे पहले गांधीनगर से वर्धमान नगर मंडी दीप तक लेकर जाते थे। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की मोनोपाली हावी होगी। सिटी बसों के नहीं चलने से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की मोनोपाली हावी हो जाएगी। अभी MP नगर से मंडीदीप सिटी बस में 30 रुपए किराया लगता है। ऑटो वाले भी मनमाना किराया वसूलने लगे हैं, इससे यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ रहा है। भोपाल में रोज 1.5 लाख लोग करते हैं सफर। भोपाल में कुल 24 रूट पर 368 सिटी बसें दौड़ती हैं। सिटी बसों में एक दिन में एवरेज 1.5 लाख लोग सफर करते हैं। अधिकतम किराया 45 रुपए तक है। 2 साल पहले CM शिवराज ने की थी घोषणा। 2 साल पहले 24 अक्टूबर 2021 को भोपाल में नई बसों को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में CM शिवराज सिंह चौहान ने नगर निगम सीमा से बाहर 25 किलोमीटर के दायरे में सिटी बसें चलाने की घोषणा की थी। इसके बाद कान्हासैया, हिनौतिया, बगरौदा, रातीबड़, सूखी सेवनिया, फंदा, परवलिया, ईट खेड़ी, अचारपुरा, नयापुरा, बड़जरी आदि रूट का चयन करते हुए तत्कालीन कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अधिसूचित यानी गजट नोटिफिकेशन करने का अनुरोध किया था। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था, लेकिन गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। यदि गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो संभवतः बसों का नियमित रूप से संचालन होता रहता। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।